दिल्ली भाजपा नेता सुश्री बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल 3 सप्ताह से राजनीतिक भारत भ्रमण में लगे हुए हैं। ये जिन बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ उनके प्रति अवहेलना का मामला है। 20 मामलों में जहां बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ, पॉक्सो मामलों की 9 फाइलें धूल फाक रही है। मामलों में सीनियर पीपी ना नियुक्त हुए न पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वहीं सुश्री बांसुरी स्वराज ने कहा, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड कहा जाता है, एक साल में केस समाप्त होना चाहिए, लेकिन जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त नहीं हुए तो मामले कैसे आगे बढ़ेंगे। अब एलजी ने नियुक्ति के मामलों में तेजी दिखाई है। केजरीवाल बड़ी बड़ी टिप्पणी करते हैं, लेकिन कब तक दिल्ली की महिलाओं के साथ अन्याय होता रहेगा। दावे करना आसान है, काम नहीं। केजरीवाल जब काम नहीं करते हैं, मंत्रियों के चक्रव्यूह में फाइल फंसती है, तो दिल्ली के साथ अन्याय होता है। एक महिला, एक वकील होने के नाते एलजी का धन्यवाद करती हूँ। सुश्री बांसुरी स्वराज ने कहा, स्वाति मालीवाल DCW की हेड, सवाल है कि क्या वे केजरीवाल सरकार के इस काम का समर्थन करती है। क्रिमिनल लॉ की पहली कड़ी कहती है कि क्राइम समाज के खिलाफ होता है। इस विलम्ब की एक्सप्लेनेशन दे केजरीवाल सरकार। संवेदनशील मुद्दा रखने आई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी पिछले 3 सप्ताह से भारत भ्रमण में लगे हुए हैं और अपने सत्ता के मोह में इतने विलीन हैं कि वो दिल्ली के बच्चों की उपेक्षा कर रहे हैं। और कौन से बच्चे? वो बच्चे जिनके साथ दुष्कर्म हुआ है। पिछले 9 महीने से एक फाइल केजरीवाल सरकार की टेबल की धूल चाट रही है, जिसके तहत एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 ऐसे मामले जिसमें बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है, सेक्सुअल वायलेंस हुई है, यानी कि पॉक्सो के तहत जो मैटर्स प्रोसिक्यूट होने चाहिए वो फाइल धूल चाट रही है केजरीवाल सरकार के मंत्रियों की मेजों पर। और क्यों? क्योंकि पॉक्सो के तहत ये ट्रायल 1 वर्ष में होना चाहिए। 1 वर्ष में जो ट्रायल खत्म हो जाना चाहिए, वहां पर केजरीवाल सरकार ने 9 महीने वेस्ट कर दिए और ना सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करे हैं, ना उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नियुक्त करे हैं। आप जरा टाइमलाइन देखिए, कचहरी का आदेश आता है, ट्रायल कोर्ट की डायरेक्शन आती है कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नियुक्त करें। 11 जनवरी 2023 से ये फाइल मूव करनी शुरू होती है। उसके बाद 16 जनवरी 22 को ये फाइल पहुंचती है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मेज पर। वो इसे वापस मिनिस्टर इंचार्ज के टेबल पर वापस भेज देते हैं।